नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट AGTA के लिए जो है महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित सारे वीडियो आप तक मिल रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS, पॉलिटी, साइंस सारे वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन स्टडी विद नीरज सर चैनल द्वारा किया जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, एक चीज और बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं एग्रीकल्चर की सीरीज करा रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। आइए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर एक से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक मेरे मित्रों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, नवीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है, मतलब नवीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है, बांगर या खादर, रेंगुर या कैलर, ये इससे खादर से संबंधित है। मतलब जो नदियों के किनारे पास पास जो मिट्टी पाई जाती है, पास पास नदियों के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी कहलाती है खादर। क्या कहलाती है? खादर। और जो नदियों से दूर ऊपर कंकड़ पत्थर वाली जो मिट्टी कहलाती है, जहां पर उपजाऊ भूमि नहीं होती है, जहां पर कृषि योग्य भूमि नहीं होती है, वो मिट्टी कहलाती है क्या? बांगर। वो मिट्टी कहलाती है बांगर। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की विविध मिट्टियां पाई जाती हैं? मतलब कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ये मिट्टियां होती कौन कौन सी हैं, मैं आपको बता दूं, ये मिट्टियां कौन कौन सी होती हैं और सारी की सारी मिट्टियां जो है इंपॉर्टेंट है। यहां से एक ना एक मिट्टी जो है मेरे मित्रों हर हालत में जो है आती है। देखिए, पहले बात, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। अब वो 8 प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो कौन सी हैं? देखिए, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, देखिए जलोढ़ मिट्टी पहली है, ठीक। जो इसकी दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। इसके बाद आती है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, पांचवा है मरुस्थली मिट्टी। और जो इसका छठी प्रकार की जो मिट्टी है वो है क्षारी मिट्टी। और एक होती है जो सातवीं है वो होती है जैव मिट्टी। और जो आठवीं मिट्टी होती है मेरे मित्रों, जो आठवीं मिट्टी होती है वो होती है वनी मिट्टी। कौन सी? वनी मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टियों को जो है कृषि अनुसंधान परिषद ने जो है बांटा है। ये मिट्टी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इनकी अलग अलग क्वालिटी है। इसको जब मैं डीप में आपको एक एक मिट्टी पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। चलिए
ये आपकी आठ प्रकार की मिट्टियां हो गई। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों, भारत की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, देख लीजिए, यह है जलोढ़ मिट्टी, डी ऑप्शन सही है, जलोढ़ मिट्टी दो बार लिख गया है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में बहुत सारी फसलें जो है उगाई जाती हैं, ठीक है, कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी से बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी को कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी बोलते हैं, कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। ये जो है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक 43% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, भारत के 43% क्षेत्रफल पर विस्तृत फैली है, फैली है, ठीक है, क्षेत्र पर फैली है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी है, मैं आपको बता रहा हूं, और इसी जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। मैं आपको बता दूं, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, दो भागों में, कौन कौन से, अभी मैंने आपको बताया था, एक थी खादर मिट्टी और दूसरी थी बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी जो नदियों के आसपास वाली मिट्टी होती है उसे हम खादर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, और जो नदियों से दूर होती है उसे हम बांगर मिट्टी जो है बोलते हैं, ठीक, ये रहा आप इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, ठीक है, गंगा के मैदान को, नेक्स्ट, हाँ, धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी क्या है, धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी क्या है, तो यह है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, धान की खेती के लिए जो सबसे आदर्श मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी है। लाल मिट्टी जो है भारत के 18% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, ये 43% क्षेत्रफल पर भारत में पाई जाती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मिट्टियां हैं मेरे मित्रों जो है। ये जो है लेटराइट मिट्टी जो है 3.7% पर जो है क्षेत्रफल पर पाई जाती है, ठीक, और काली मिट्टी 15% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, काली मिट्टी 15% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है पाई जाती है, ठीक है, कपास, कपास मिट्टी, रेंगुर मिट्टी या लावा मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसे कपासी मिट्टी, रेंगुर मिट्टी या लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं मेरे मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसे करेल मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है, यूपी में इसे करेल मिट्टी भी बोलते हैं, कौन सी मिट्टी, करेल मिट्टी भी बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, लावा मिट्टी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में इसे जो है करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इस मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार ज्यादा है, थोड़ी बहुत ये जो है गुजरात राजस्थान में भी जो है ये पाई जाती है। ये आपका छठे नंबर का प्रश्न जो है था, इसके आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड एक्सपोर्ट हो जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हाँ, पौधों की वृद्धि समानता किस मृदा पीएच में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पौधों की वृद्धि हमेशा ये वृद्धि किस पीएच में होती है,
तो पौधों की वृद्धि जो है ये 6 से 7.5 के मध्य होती है। ठीक है, ध्यान रखना। न्यूट्रल पीएच, एक अम्लीय पीएच हो, देखिए एक अम्लीय पीएच होता है अम्लीय, और एक होता है क्षारीय, और एक होता है उदासीन। उदासीन, ठीक है। 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6.9, 7.0, 7.1 से 14, 7 तक ये उदासीन होता है इसका पीएच 7 का, जिसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। और ये होता है अम्लीय, ये होता है इधर क्षारीय। ठीक है, तो ये जो है पौधों की वृद्धि समानता 6.0 से 7.5 तक होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दलदल, दलहन में वायुमंडली, दलहन में वायुमंडली नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? इसका आंसर है मॉलिब्डेनम, एमओ, मॉलिब्डेनम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर, ये मैंगनीज है, आयरन है, नाइट्रोजन है, मॉलिब्डेनम जो है इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है? तो ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। आगे बढ़ते हैं, यस, एक हेक्टेयर बराबर कितने एकड़ के होता है? एक हेक्टेयर बराबर कितने एकड़ का होता है? तो 2.47 एकड़ के होता है। नेक्स्ट, क्षारी भारतीय मृदा में सामान्यतः, भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है, नाइट्रोजन का अभाव जो है पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल के नत्रजनन का स्थिरीकरण ना करने वाली दलहनी फसल कौन सी है? ये राजमा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारी मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है? क्षारी मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है मेरे मित्रों, वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारी मृदा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में हरी खाद वाली फसलों में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है बोडो, बोडा लुबिया में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक, 15, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो ये मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज जो है तत्व आवश्यक होता है, एमएन। ठीक है, क्लोरोफिल में की संरचना में जो है मैंगनीज तत्व जो है एक विशिष्ट स्थान रखता है, और ये मुख्य प्रश्न है, यहां से ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक, मैग्नीशियम, सॉरी, इसका आंसर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये नहीं, मैग्नीशियम है इसका आंसर, ये जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए कुछ मिट्टी से संबंधित और भी जो प्रश्न थे, इसमें एक इसका प्रश्न छूट गया है, मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें मिट्टी से संबंधित कुछ और प्रश्न इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। देखिए, एक मिट्टी होती है इंसेप्टिसॉल, ये इंसेप्टिसॉल, ठीक है, इन वर्गों में भारत की कुछ मिट्टियां शामिल हैं। ठीक है, एक मिट्टी होती है इंसेप्टिसॉल, कौन सी? इंसेप्टिसॉल, 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 इसमें कौन सी जो है मिट्टी आती है, किस स्थान की मिट्टी आती है मेरे मित्रों? देखिए इंसेप्टिसॉल में गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी की मिट्टी को शामिल किया गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी जो है उसकी मिट्टी को शामिल किया गया है। ठीक है, मिट्टी को शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है,
ठीक है। एक दूसरी मिट्टी है जिसे बोलते हैं वर्टिसोल, ठीक है, वर्टिसोल, वर्टिसोल। इसमें कौन सी मिट्टी आती है? इसमें दोस्तों आती है दक्कन के पठार की काली मिट्टी को शामिल किया गया है। दक्कन के पठार को, पठार की काली मिट्टी को शामिल किया गया है, काली मिट्टी को शामिल किया गया है, ठीक है। एक इसके अलावा एक और जो है मिट्टी आती है जिसे बोलते हैं एरिडिसोल, एरिडिसोल, एरिडिसोल। इसमें जो है दोस्तों वो राजस्थान की मरुस्थली मिट्टी को शामिल किया गया है, राजस्थान की मरुस्थली मिट्टी को शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे मित्रों। एक चौथी जो आती है ये भी पूछी जाती है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोसोल, क्या, हिस्टोसोल। इसमें कौन सी मिट्टी आएगी दोस्तों? हिस्टोसोल में जो है पीट एवं दलदली मिट्टी आएगी। कौन सी? पीट एवं दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी, ठीक है। एक और मिट्टी इसके अलावा है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल। केरल की लेटराइट मिट्टी को शामिल किया गया है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण और जो है, ठीक है, विश्व भर की मिट्टियों को 11 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों में भारत की कुछ मिट्टियां शामिल थी, ये प्रमुख रूप से हैं, ठीक है। और केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था। क्वेश्चन आया है केंद्रीय, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था, 1953 में किया गया था। ये दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जरूर खींच लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है, ठीक है। और सर्वाधिक बंजर भूमि इस समय राजस्थान में है, सर्वाधिक बंजर भूमि कहां है? राजस्थान में है, सर्वाधिक बंजर भूमि इस समय राजस्थान में है। सर्वाधिक लवणी मृदा क्षेत्रफल गुजरात राज्य का कच्छ जिला है, सर्वाधिक लवणी मृदा का क्षेत्रफल जो है गुजरात के कच्छ जिला है, गुजरात का कच्छ जिला है, ठीक है, कच्छ जिला है, ठीक। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, क्षारीय मृदा क्षेत्र यूपी में है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों, जरूर इसको याद करना, जरूर लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लेना। मैं आपको, आपसे वादा करता हूं कि आपको एजीटीएम में सिलेक्शन दिलाने में स्टडी विद नीरज सर चैनल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एकमात्र भरोसेमंद चैनल जो आपके लिए है वो है स्टडी विद नीरज सर चैनल। आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करेंगे तभी आगे बात बनेगी। तब तक के लिए नमस्कार।